गुलबर्ग ग्रीन्स में एंटर होने के बाद जो सबसे पहला ब्लॉक आता है उस ब्लॉक का नाम है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, और स्टूडियो में आपको मैं एग्जीक्यूटिव ब्लॉक एक शॉर्ट सा विजिट करवाने की कोशिश करूंगा कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में कौन कौन सी चीजें लोकेटेड हैं। इस वक्त हम गुलबर्ग ग्रीन्स में आने से इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से जब आप उतरते हैं तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ब्लॉक आता है। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक से भी पहले यानी कायदे आजम ब्रिज एक गुलबर्ग का रेड कलर का ब्रिज है जिसको क्रॉस करें तो गुलबर्ग ग्रीन्स मेन स्टार्ट होता है जहाँ पे ए ब्लॉक बी ब्लॉक सी ब्लॉक फार्म हाउसेज में आते हैं। लेकिन शुरू में कायदे आजम ब्रिज से पहले शुरू में आपको एग्जीक्यूटिव ब्लॉक मिलता है। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में एक कमर्शियल सेंटर भी है जिसका नाम है गुलबर्ग सिविक सेंटर। तो पहले मैं आपको गुलबर्ग सिविक सेंटर का थोड़ा सा विजिट करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको गुलबर्ग सिविक सेंटर से आके जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है जहाँ पे 4 और 5 साल की फार्म हाउसेज लोकेटेड है उसका विजिट करवा दूंगा। तो इस वक्त गूगल अर्थ लोकेशन पे अगर आप देखें तो गूगल अर्थ लोकेशन पे हम मेन जो सिविक सेंटर है उस लोकेशन पे हैं, और सिविक सेंटर की लोकेशन की खास बात यह है कि यहाँ पे जितने भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो तमाम के तमाम प्लॉट्स हैं उनको ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया जा चुका है, बस कुछ प्लॉट्स बाकी हैं जिन पे अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। इस वक्त सामने आप एक प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन होते हुए देख भी सकते हैं। तो ये इस वक्त प्रोजेक्ट हैं जिन पे भी काम हो रहा है, बाकी ओवरऑल जितने प्रोजेक्ट्स हैं उन पे तकरीबन तमाम प्लॉट्स पे ना सही तो 80% प्लॉट पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। ये गुलबर्ग में सिविक सेंटर में इनिशियल जो सबसे पहला मरकज आता है जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी, तो ये वाला प्लॉट है जहाँ पे सिविक सेंटर में छोटे प्लॉट्स यानी यहाँ पे 40x40 के प्लॉट से 40x50 के प्लॉट्स यानी स्क्वायर फीट में बात की जाए तो 1600 स्क्वायर फीट और 40x50 2000 स्क्वायर फीट के प्लॉट, जहाँ पे अगर मरलों में बात की जाए तो 6 मरला कह लें या 7 मरला कह लें या 8 मरला कह लें ये वाले प्लॉट्स बनते हैं डिपेंडिंग ऑन के आप मरला किस साइज से देखते हैं। गुलबर्ग में मरला जो है 252 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल प्लॉट्स का और कमर्शियल प्लॉट्स का, और अगर हम देखें पिछले प्लॉट्स में जो फार्म हाउसेज के प्लॉट्स हैं तो वहाँ पर 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से मरला काउंट होता है। तो शुरू में आगे एग्जीक्यूटिव ब्लॉक जिसमें आपको इनिशियल 2 मिनट्स में आपको मैं एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का सिविक सेंटर और बाकी जाके आगे मैं आपको एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के बाकी जो डोमेन है वो दिखाता हूँ जिसमें आपको बेहतरीन आइडिया मिल जाएगा कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में डेवलपमेंट आज की डेट में कहाँ स्टैंड करती है। अब आगे देखेंगे सिविक सेंटर कमर्शियल मरकज से आगे, ये मैंने मरकज की चारों तरफ एक विजिट करवा दिया आपको। इस मरकज से आगे जहाँ से रेजिडेंशियल प्लॉट स्टार्ट होते हैं मैं उस तरफ ले जाता हूँ आपको ताकि आपको आइडिया मिल सके गुलबर्ग ग्रीन्स में जो निचले यहाँ से गुलबर्ग ग्रीन्स में आने के लिए आपको 0.50 मिनट का डिस्टेंस टाइम रिक्वायर्ड होता था और आज की डेट में वही टाइम आपका कट होके तकरीबन 10 से 15 मिनट का हो गया। रीज़न इज कि 0 पॉइंट से लेकर इस्लामाबाद हाईवे गुलबर्ग ग्रीन्स तक मुकम्मल तरीके से सिग्नल फ्री कर दी गई है, तो सिग्नल फ्री कॉरिडोर होने की वजह से इस्लामाबाद हाईवे पे आपको बहुत अच्छी एक्सेस मिलती है। ओके, यहाँ से स्टार्ट होगा जी गुलबर्ग ग्रीन्स का एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में 4 और 5 साल के फार्म हाउसेज वाक़ हैं, बाकी मैं आगे जाकर डिटेल से आपको विजिट करवा देता हूँ। साथ में गूगल अर्थ इसलिए अपडेट कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतरीन आइडिया मिल सके अगर आप गुलबर्ग विजिट करते हैं इटसेल्फ अपने ऑन पे, ताकि आपको आइडिया हो सके कि गुलबर्ग ग्रीन्स में एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी आपने वीडियो देखी थी, और वीडियो के लिहाज से जितना डिटेल तरीके से आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि गुलबर्ग ग्रीन्स में कौन सी लोकेशन बनती है। इस वक्त हम पहली स्ट्रीट जहाँ से फार्म हाउसेज स्टार्ट होते हैं वहाँ पे आ गए हैं, और राइट साइड में कुछ फार्म हाउसेज हैं और कुछ लेफ्ट साइड पे फार्म हाउसेज हैं। ये तमाम के तमाम फार्म हाउसेज जो गुलबर्ग ग्रीन्स एग्जैक्टिव ब्लॉक में है वो 4 और 5 साल की कटिंग्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे दूसरे साइज के प्लॉट नहीं है, ना यहाँ पे छोटे प्लॉट्स हैं यानी 5 मरला से लेके 2 कनाल तक, और ना इस यहाँ पे बड़े प्लॉट्स हैं यानी कि 10 कनाल का प्लॉट भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये मैं गुलबर्ग एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की जो पहली स्ट्रीट है वहाँ पे दाखिल हो गया हूँ, और आप लोगों को गूगल अर्थ लोकेशन भी नजर आ रहा होगा कि हम इस वक्त कहाँ से गुजर रहे हैं। मेरे राइट साइड में जितने फार्म हाउसेज हैं वो सारे 4 और 5 कनाल के हैं, बल्कि मैं किसी स्ट्रीट में आपको ले जाता हूँ जहाँ पे आपको एक फ्रंट एलिवेशन भी मिल सके कि फार्म हाउसेज की एलिवेशन किस तरह से होती है। तो यहाँ से आपको बेहतरीन तरीके से आइडिया हो जाएगा कि गुलबर्ग ग्रीन्स में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है और किस तरह का है। ये मेरे आप राइट साइड पे देख सकते हैं फार्म हाउस जो कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है, और मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि आगे जाके कितने फार्म हाउसेज यहाँ पे ऑलमोस्ट एक स्ट्रीट पे आई थिंक 9 या 10 फार्म हाउसेज हैं जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हैं। तो ये है गुलबर्ग ग्रीन्स का एग्जीक्यूटिव ब्लॉक। बाकी इसका जो सिविक सेंटर मैंने आपको शुरू में निचली दिखा दिया कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की क्या सूरत हाल है। अच्छा, गुलबर्ग ग्रीन्स में एक जो बात मद्देनजर रखने वाली है वो ये है कि गुलबर्ग जितने प्लॉट्स हैं उन तमाम पे सीडीए के बायलॉज जो अप्लाई होते हैं वो सीडीए जोन 4 के बायलॉज हैं। अब सीडीए जोन 4 और जोन 5 की जो बायलॉज में जो बेसिक फर्क है वो है कवर्ड एरिया के डिफरेंस का। फॉर एग्जांपल, आप गुलबर्ग में 10 कनाल का प्लॉट लेते हैं तो एज पर द बायलॉज ऑफ सीडीओ सीडीए जो आपको कंस्ट्रक्टेड एरिया अलाउड है इस पे वो है 2.5 कनाल का एरिया, और आप लेते हैं प्लॉट सीडीए जोन 5 में तो आपको यानी 75-25 की रेशियो है यानी आपने 25% कंस्ट्रक्ट करना है और 75% ओपन रखना है। ये फार्म हाउसेज के बायलॉज हैं, और अगर हम बात करें छोटे प्लॉट्स की तो उनके बायलॉज थोड़ा रिवर्स है यानी कि वहाँ पे आपको जितना एरिया आपने ओपन छोड़ना है उससे ज़्यादा आपने कवर्ड एरिया रखना है। यानी बायलॉज के मुताबिक अगर आप 5 मरला का प्लॉट देखें तो 80% उसका कवर्ड एरिया होगा और 20% उसका ओपन एरिया होगा, और अगर आप 1 कनाल का प्लॉट देखें तो तकरीबन आपका 70% या 65% कवर्ड एरिया होगा और रिमेनिंग इसका जो 68% कवर्ड एरिया होगा
और इसका 32% आपका ओपन एरिया होगा, यानी आपने फार्म हाउसेज में जितनी स्पेस छोड़नी होती है उतनी रेजिडेंशियल प्लॉट में स्पेस नहीं छोड़नी होती। तो ये था गुलबर्ग ग्रीन्स का ओवरऑल एग्जेक्टिव ब्लॉक, जिसका मैंने आपको स्ट्रीट व्यू दिखा दिया है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक वो उसमें तमाम के तमाम प्लॉट किस साइज के हैं और कितने प्लॉट डेवलप्ड हैं और कितने पोजेशनेबल हैं। इस तरह मैं ब्लॉक वाइज तमाम ब्लॉक्स का आपको स्ट्रीट व्यू दिखा दूंगा और आपको साथ जो एग्जेक्टिव ब्लॉक में नई बुकिंग लॉन्च हुई है उसके वाले से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ओवरऑल वहाँ पे क्या स्कोप है, क्या आपको बुकिंग वहाँ पे करवानी चाहिए या नहीं। इस वीडियो में आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं उन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लूँगा इन्हीं वीडियो ब्लॉग के थ्रू, ताकि आपको बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग मिल सके इन्वेस्टमेंट से पहले। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको गुलबर्ग ग्रीन्स या गुलबर्ग रेजिडेंशियल में बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolution.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।